भाई साहब ऐसा ज्यादा सर रहा है कि भाई साहब रियल का शेर है भाई साहब यार। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल आगे तो मतलब सबके ऊपर ना, तो आज हम लोग पता आज अपना जो ब्लॉग है ना वो गाइस आज अपना ब्लॉग जो है यहाँ स्टार्ट हो रहा है गाइस। तब पता तुम लोगों को आज हम लोग पता मैंने अपने दोस्त यहाँ पर आया था ना मैं, तो उसकी छत पर से आगे मैंने भाई भाई मेरा ब्लॉगिंग का टाइम हो गया है। तो अब हम लोग फिलहाल तो अभी यहाँ पर आ चुके हैं, तो आने के बाद अभी अपन लोग थोड़े बहुत अभी ज़्यादा 10 घंटे में चलने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में भी। तो चलने के बाद उसके फिलहाल जो भी ना अभी जो अभी अपन लोग पता यहाँ पर आए हुए थे, तो आने के बाद उस बंदे ने मुझसे कहा देख चले जाओ ऊपर आके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैंने कि हाँ चल मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ यार, अब जो ब्लॉग स्टार्ट करना जरूरी है ना। तो आज यार आज यहाँ पर नवरात्रि का मतलब यार आज मतलब जो नौवीं होता है ना आज यहाँ पर त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज अपन लोग आज चलेंगे अपना अपना लोग आज सेंचुरी के अंदर भाई साहब, आज अपन लोग चलेंगे सेंचुरी के अंदर भाई साहब। आज मजा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा भाई साहब, हम साल में एक बार मौका मिलता है जाने का। तो जो मेरे भैया रहते हैं ना अंदर उनसे ही बात हुई है थोड़ी बहुत देर में, तो अभी आधे तकरीबन आधे घंटे बाद चलते हैं रावट से फिर, क्योंकि आज खिचड़ी भी है ना चक्कर में तो बुलाया है। तो अभी चलते हैं रावट से फिर यार। तो अभी हम लोग जाते हैं फिलहाल नीचे के लिए, और आए मतलब मैंने नाश्ता बिल्कुल नहीं किया, मैं सीधा यहीं पर आ गया था कुछ काम के चक्कर में ना, तो मैं ब्लॉगिंग भी एडिटिंग कर ली है। तो फटाफट से अपलोड कराता हूँ भाई, बताओ यार मैंने अभी तक मैंने बिल्कुल भी अभी ब्लॉग मतलब यार मैंने एडिटिंग कर ली है, मैंने कि अभी अपलोड नहीं मारा है, तो फटाफट से मैं अपलोड मार लेता हूँ, उसके बाद अपन लोग चलते हैं। फिर देख सकते हो भाई साहब यार कितने बढ़िया बढ़िया यार यार खेत मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, खेत खलियान पूरा चार साइड से देख सकते हो ना। तो आज अपन लोग तुम लोग देखो ना यार ये देख लो भाई साहब यार, आज अपन लोग चलेंगे सेंचुरी में भाई साहब, सेंचुरी चलेंगे आज हम लोग। आज जब ये जब आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा पास से पास में कैसा होता है भाई साहब। गाइस अभी हम लोग यहाँ फिलहाल आ चुके थे वहाँ से मतलब ना क्या बोलते अपने दोस्त के यहाँ ना, तो अभी हम लोग अपने दोस्त के यहाँ से आए हुए हैं। तो पहले सोचता हूँ पहले अपनी गाड़ी धोता हूँ, उसके बाद मैं नहाता हूँ, तो फिर फिलहाल तो मैंने नाश्ता कर लिया है, नाश्ता करने बाद तो अभी फिलहाल अभी नहाते हैं फिर निकलते फटाफट से, फिर अब तकरीबन हमें अभी निकलते हैं आधे घंटे बस। तो फाइनली गाइस हम लोग अब सेंचुरी के अंदर आ चुके हैं यार भाई साहब यार, अब हम तकरीबन यहाँ से मेरा एक दोस्त है ना अभी उससे हम दोस्त से मिलने आएंगे, तो अभी मेरा दोस्त आ रहा है वहाँ से, तुम लोग देख सकते हो फिलहाल यार। तो अभी हम लोग थोड़ी बहुत देर में सब मिलने के बाद अभी अपन लोग जाएंगे पंडाल में जहाँ पर हम लोग दिखा सेंचुरी का मेन गेट है, अभी वहाँ से हम लोग चलते हैं रावट से पहले। तो गाइस अभी हम लोग पता है फिलहाल आ चुके थे मतलब यहाँ मंच पर जहाँ पर मतलब भंडारा होना चलता है अंदर सेंचुरी के अंदर, तो हम लोग आए हुए थे। तो हमारे एक दोस्त मतलब रिलेटिव है दोस्त में, तो उन्होंने हम लोग को यहाँ से एंट्री दिलाई, वरना गार्ड वाले हम लोगों को बिल्कुल भी अंदर आने देते कि परमिशन दे नहीं देते फिर फिलहाल। तो पता है तो हम लोग आए हैं बड़े दिनों बाद यहाँ पर यार भाई साहब, अब पता है 3 साल के बाद मैं यहाँ पर लौटना है, 3 साल के बाद यहाँ पर मैं फिलहाल मैं अभी आया हूँ। तो तुम लोग तुम लोग देख सकते हो ना यहाँ साहब यार चार साइड से भाई साहब यार वहाँ लग रहा है पंडाल, वहाँ पे खिलाई खिलाई जाती है खिचड़ी, देख लो भाई साहब सामने वहाँ बैठे पड़े हैं, हमें साइड से खिचड़ी खिलाई जाती है, और ये पूरी स्टाफ करोनी है साइड से पूरी साइड से पूरे स्टाफ करोनी में सेंचुरी के अंदर तक का, और ये पूरा फील्ड का व्यू है, और वहाँ पे गाइस पता है ये है यहाँ का फिश पॉइंट यार, तुमने सेंचुरी के अंदर का भाई साहब यार। तो यार तुम लोग देख सकते हो जैसे कि यार ये है पूरा मतलब यार ये इसके अंदर तक नहीं क्या रखा गया, क्या यार ये है ये वही है मागोगे ना, अच्छा डिजाइन का रखा है ये ओ भाई साहब, पानी जाता है पूरी सेंचुरी में ये सप्लायर है। अच्छा और तो झरने तक का भाई साहब, पूरा झरने तक का व्यू दिया है साइड साइड से, देखो भाई साहब यार पूरे झरने तक का, और फूल लगे अपने साइड से यार चार साइड से फूल लगे पड़े हैं, और ये यहाँ पर ये बैठने का स्थान दिया गया है भाई साहब, ऐसा ज्यादा सर रहा है कि भाई साहब रियल का शेर है भाई साहब यार, देखो रियल का शेर है हाथी, आठ 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 ऑटो टेक्चर से बनाया गया मतलब पूरा चार शर्ट भाई साहब। अब हम चल रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर फिश पॉइंट ना भाई साहब, कितनी अच्छी वीडियो बना रखी है देख लो भाई साहब यार, ये हिरन भी है और बारहसिंघा भी आया था यहाँ पर, लड़का लगा हुआ है और छोटा सा बच्चा इसके नीचे, और भाई साहब ये है फिश पॉइंट देखो यहाँ भाई साहब यार, देखो मछली तैर रही है, देखो देखो छोटी छोटी मछली तैर रही है सारी मछलियाँ, और एक गुलाब का बोलते हैं इसको कमल ना, ये कमल नकली है। नकली वाले कमल लगा रखे हैं साइड साइड से भाई साहब, ये है यहाँ की सेंचुरी, सेंचुरी के अंदर पूरा बनाया गया है, तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है भाई साहब यार, देख लो भाई साहब यार, और पूरा व्यू आ रहा है भाई साहब, यहाँ पर नीले और यहाँ पर गुलाबी रंग के हैं, और वो देखो पूरा वहाँ बाघ रखा गया है, पता है ये A1 घर है सेंचुरी के बेस्ट घर। अच्छा ये A1 मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, हर घर ये खाली मिलेगा। अच्छा क्योंकि यहाँ सिर्फ बड़े बड़े लोग रहते हैं जो गाइस पता है सही वन घर है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं मतलब इस सेंचुरी के अंदर भाई साहब, और ये A2 घर है। अच्छा यहाँ मतलब थोड़े डॉक्टर टाइप लोग रहते हैं। अच्छा यहाँ पर इन घरों में डॉक्टर लोग रहते हैं यहाँ भाई साहब, ये A1 है कम लोग रहते हैं। मैंने पता है एक ही क्या सुनिए पता है इसके अंदर पता क्या,
यहाँ पर क्या नाम, यहाँ मतलब यार मतलब सिविल इंजीनियर सारे छोटे मोटे इंजीनियर सब यहीं पर मतलब बगल में रहते हैं ना, वो ए थ्री और ए फोर में रहते हैं। अच्छा मतलब यहाँ मतलब इंजीनियरिंग पोस्ट अलग अलग पे मतलब लगाई जाती है यहाँ पर। यहाँ जेपी नाइन रहते हैं लोग, रहते हैं जेपी नाइन यहीं रहता है यहाँ, अब तो उसको वो कर दिया ना। अच्छा मतलब यार जेपी नाइन मतलब यार इस सेंचुरी के मतलब मैनेजर ना, इस सेंचुरी के मैनेजर जो मतलब यहाँ पे घर है लेकिन अब तो यहाँ पे रहते नहीं फिलहाल वो। तो तुम लोगों को दिखा दिया मैंने यार, तुम लोगों का मन था कभी सेंचुरी दिखाना, एक बंदा कमेंट में आया भाई सेंचुरी दिखाओ अंदर से, तो अब तुम्हारा भाई मैंने हो गया सेंचुरी अंदर। लेकिन हम लोग अब ये तो खाली बस घर है यहाँ पर, खाली घर में रहने का है, लेकिन कभी अगर अंदर जाएंगे तो वो भी आपको हम दिखाते हैं एक दिन, चलते हैं फिर आगे। गाइस आप लोग कमेंट करते थे ना मतलब ये है क्या भाई साहब, ये है बक्कल, आप देखो भाई करीब से देख लो भाई साहब, अब इतना करीब से मैं उसके पास जा भी सकता नहीं, यहाँ पे अलाउ नहीं है जाना ना। जा सकते हैं और पास जा सकते हैं पास ना, चले फिर वो तो दावत खा के ही चलेंगे। चलो उसके बाद पहले हम लोग पहले ना भिड़ी खाते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वहाँ घूमने के लिए इस साइड से, तब कितना मजा। गाइस तुम लोग पता है बहुत ज्यादा कमेंट करते थे कभी कभार कि मतलब यार कि पीआईयू चीजें मतलब क्या है, तो गाइस आप लोग देख सकते हो यार पीछे जो ऊपर लगी ना पीली पीली, तुम लोग दिखाता हूँ चीजें क्या यार, यही मशीन मतलब जो मतलब यहाँ का जो मतलब क्या बोलते उसको इसे भूसा वूसा जो भी बोलते ना, तो यही पूरा मतलब यही निकालती है, दिखाता हूँ मैं ये रही गाइस वो चीज़ यार जो 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 तुम कह रहे थे ना, ये है भाई साहब देखो भाई साहब ये है पूरी मशीन, और ये है भाई साहब देखो प्लेन रोड है भाई साहब पूरा सेंचुरी का, देखो देख सकते हो पूरा यार, तो प्लेन रोड है सेंचुरी का थर्ड साइड से, और ये यहाँ से हम लोग फिलहाल हमें यहाँ से आए थे, हम लोग यहाँ से रोड से भी आए थे फिलहाल अभी, और तुम लोग दिखाता हूँ भूसा क्या है, देखो देखो दिख रहा होगा तुम लोगों को वो देखो पहाड़ के टीला है। सो गाइस यार ये है भाई साहब जो जो मैं कह रहा था ना यार, ये है भूसा टीला भाई साहब यार देखो चार साइड से यार, और ये इसी के बगल में यार ये अपार्टमेंट बने पड़े हैं यार, एक तो ये है पानी कोई, और एक ये है, और एक यहाँ पर ये बना पड़ा है चार साइड से, यहाँ पर तुम लोगों को हरियाली चार साइड दिख गया था। लोग कहते हैं सेंचुरी में पेड़ काटे जाते हैं, लेकिन नहीं यार सेंचुरी पेड़ भी खूब है, जंगल वंगल यहाँ पर खूब ज़्यादा है, यहाँ पर भी देखो पीछे पूरा हमारे पीछे हरियाली थोड़ी बहुत है यहाँ पर, और अपनी